अरे भाई ये कौन है भाई? ये हमारे आनंद भाई हैं, बहुत अच्छे आदमी थे। क्या हो गया भाई इस आनंद भाई को? दिल के बहुत अच्छे आदमी थे। ये कोमे वाले आदमी से मिले, उसे बोला आप ड्रीम 12 पे टीम बना लो, कोमे में मैं चले जाता हूँ। उस आदमी ने तो टीम बना ली, बट ये कोमे से बाहर नहीं आ पाए। अबे बस इतनी सी बात, मैं एकदम ठीक कर दूंगा, मेरे पास सारे नुस्खे हैं यार। अच्छा, अबे आ तू जल्दी, देख तेरे को दिखाता हूँ। चलिए बता यार, यार दिखा यार कौन सा सोल्यूशन। अरे एकदम मस्त है भाई, एकदम आनंद भाई एकदम ठीक हो जाएंगे। करा दे यार, करा दे। हाँ बोलना मत बस तू कुछ। ठीक है ये देख, ये अपन ने लड़ी ली, इसमें लगा दी आग। अब ले एक और डाल लूंगा। देखा, अबे तो ठीक हो गया आनंद भाई, कमाल हो गया यार, वाह डांस कर रहे हैं। अबे तूने तो आनंद भाई ठीक कर दिया यार, कमाल हो गया, जो काम साला अमेरिका का डॉक्टर निकल पे तूने कर दिया। हाँ और अगर दोबारा ऐसी कभी प्रॉब्लम आए ना मेरे को याद कर लियो, ठीक है? वाह यार। क्या हो गया भाई, इतना दुखी दुखी कैसे है? अरे यार क्या बताओ, बम नहीं मिलता। कौन सा बम यार, मार्केट भरा पड़ा है, बम फोड़ो मस्त। अरे मेरे को एक ऐसा यूनिक बम चाहिए जो आज तक किसी ने फोड़ा नहीं भाई, तब मेरे को मजा आएगा, तब मैं वो बम फोड़ूंगा। अरे यार इसका मतलब तो सही जगह है, याद है लास्ट टाइम मैंने हर्बल बम फोड़ा था? नहीं भाई हर्बल बम नहीं फोड़ना भाई, हर्बल बम नहीं। अरे यार ये हर्बल बम थोड़ा अलग है, ऑर्गेनिक बम है, इसमें तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को यहीं खड़े रहना है, बम मैं सामने फोड़ के आऊंगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अरे यार फिर तो चलो बम फोड़ते हैं। हाँ लेकिन एक चीज है यार, इसमें ना तेरे को आग ढकनी पड़ेगी, क्योंकि यार थोड़ा सीक्रेट बम है ना, तो मतलब रेसिपी दिखाना नहीं चाहता, तो जल्दी से आग ढक ले ठीक है, और अब मैं बम फोड़ता हूँ। सही है भाई, गोबर वाले बम में बम लगा दिया, अब आएगा इसको मजा। भाई आग खोल लो, मैंने वो बम में आग लगा दी। कौन सा बम है? अबे ये क्या लगा रखा है इतना बड़ा सा? छी, अबे हर्बल बम के नाम पे गोबर फोड़ गया, अभी बताता हूँ तेरे को। अरे भाई रुक रुक रुक, ये तो छोड़ दे भाई, छोड़ दे, सॉरी भाई, सॉरी। इस दिवाली पे अपने बनाए हुए बम बनाऊंगा, सेल्फ मेड बम। चलो शुरू हो जाता हूँ। अरे क्या कर रहा है यार? अरे भाई टूट गया। अरे हाँ यार क्या मस्त नींद आती है इस वेग फिट के गद्दे पे। अरे तू बता तू कर क्या रहा है भाई? भाई मैं बना रहा हूँ कस्टम बम दिवाली के लिए। यार फिर वो पुराने स्टाइल में सारे बम को पीस के एक बम बनाएगा, भूत एकदम से जल जाएंगे। कुछ फायदा है क्या, कुछ नया कर यार, जैसे वेग फिट का गद्दा है अपना। भाई इस गद्दे में ऐसा क्या है? भाई इस गद्दे में ना अपने को मेमोरी फॉर्म मिलता है जो बॉडी की एकदम शेप ले लेता है, क्या गजब की नींद आती है भाई इसके अंदर। और भाई इसका जो नॉन क्विल्टेड डिजाइन है ना, उससे ना तो कोई ब्लड कोटिंग होती है, और बढ़िया मस्त तरीके से एकदम ब्लड सर्कुलेशन होता है। लेकिन गद्दे लेके कहाँ से आए यार? अरे यार उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, वैक्यूम पैकेजिंग में आता है इतना सा बन के, और पैन इंडिया में पूरी कंपनी शिप कर दी है, डोर स्टेप डिलीवरी है। लेकिन अगर ऑनलाइन में कोई फ्रॉड हो गया तो? अरे भाई उसकी कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कंपनी ना रिस्क फ्री ट्रायल देती है 100 डेज का, अगर 100 दिन में पसंद नहीं आया वापस कर दे और पूरा 100% रिफंड मिलेगा, और साथ के साथ 10 साल की वारंटी भी है, ये तो 10 साल तो तेरा बेड नहीं चलने वाला। भाई मुझे भी दिलवा दे यार ये गद्दा प्लीज यार। हाँ दिलवाएंगे, और ये कस्टम बम छोड़ भाई, कुछ नए तरीके से नए स्टाइल से बनाते हैं ना। अब सैनिटाइजर है तेरे पास? अब हाँ दे सैनिटाइजर, देख ये देख, अब सैनिटाइजर में अपने क्या करना है देख, खोल और ये मस्त एकदम से बत्ती लगा दे। देख भाई ये बत्ती लग गई मस्त, जलाते हैं भाई, कुछ होगा तो नहीं ना? अरे भाई अल्कोहल ही थे, क्या होगा देख। अरे मार दिया रे। अबे यार पटाखे फोड़ने का मन कर रहा है, दिवाली का टाइम वैसे है। अरे हाँ है ना मेरे पास पटाखा, हाँ ये फोड़ते हैं। लेकिन यार ये तो काफी डेंजरस बम है, हाथ वाथ में फट गया तो टाइमर लगा लेता हूँ, टाइमर लगा फोड़ूंगा। अबे ये क्या कर रहा है, दिखा ये बम फोड़ रहा था। अबे तू टाइमर क्यों लगा रहा है इसमें? ऐसे अबे पागल है क्या, तो बम की कैटेगरी में नहीं आता है? अबे ये तो फूलझड़ी कैटेगरी में, लोग तो बगल में जला के फोड़ लेते हैं इसे। ला तेरे को फोड़ के दिखाता हूँ। अबे दूर दूर फोड़, दूर फोड़, दूर फोड़, जा मरवाएगा पागल। फोड़ दिया हाथ में, ए बे कोई दूसरा फोड़ना है तो ठीक है चल, और कुछ फोड़। सही है यार, रॉकेट, खतरनाक यार, हाथ में जला दिया। और कुछ करके दिखाना। अबे पागल हो गया क्या? अबे क्या कर रहे हो? अबे ओए ओए
अबे गर्दन कहाँ चली गई इसकी? अबे बिना मुंडी के लाश की। क्या यार, मार्केट में कोई ढंग के बम ही नहीं आ रहे। सारे पुराने टाइप के बम है, कोई नए टाइप का बम ही नहीं है जिसे फोड़ने में मजा आए। ये होता है बम भाई, ये होता है। अबे इसमें क्या है भाई, इसमें तो बत्ती नहीं है। अरे अभी दिखाता हूँ तेरे को, इसको मारते हैं जमीन में और फिर देख क्या फटता है। यार ये तो गजब फट गया यार। वैसे मेरे पास भी है भाई, ये तो ये गोली है, इसको है ना सांप बन जाता है। देख दिखाता हूँ। अबे देख, देखा सांप निकल रहा है इसमें। वाह यार बड़ा गजब है यार ये तो। लेकिन पता है ये ओल्ड फैशन हो गया है, आजकल ट्रेंड में है नागिन बॉम्ब। इसको जलाओ नागिन निकलती है। अबे नागिन वागिन कहाँ से निकलेगी, बम में दिमाग ठीक है क्या तेरा? अबे अभी जलाऊंगा नागिन निकलेगी। और हाँ उसकी आंखें मत देख लेना, फोटो खींचती है मार देगी तेरे को बाद में। फेटी खींचती है, चल जल्दी जाके चला, बकवास कर रहा। अबे क्या कुछ हो ही नहीं रहा इसमें तो। अबे देख दी, नागिन कौन से निकल गई भाई इसमें? अबे तेरी फोटो खींच ली भाई। अबे अब तू क्या भाई, तेरी फोटो खींच ली अब तू क्या? पटाखे ले लो भाई, पटाखे ले लो, फायर क्रैकर्स ले लो भाई, पटाखे ले लो, बूम बम। अब भाई साहब क्या लेना है? अरे भाई साहब ये रॉकेट कैसा है? भाई साहब एकदम बेस्ट क्वालिटी रॉकेट है, एक बार आग लगाओगे 200 मीटर तक जाएगा, बट थोड़ा सा महंगा है। दो पैकेट कर दो रॉकेट के। ठीक है भाई साहब। और ये बुलेट बम कैसे दिए? भाई साहब बुलेट बम एकदम बेस्ट क्वालिटी की है, बुलेट की तरह एकदम से चल जाता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है। इसके भी दो पैकेट कर दो। और ये चक्री कैसे दी? भाई साहब चक्री इतनी तेज चलती है, खुद देखोगे आपको चक्कर आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी महंगी है। चलो उसके तीन पैकेट कर दो फिर। ये भाई साहब फुलझड़ी दी है क्या? भाई साहब फुलझड़ी इतनी ज्यादा जलेगी कि देख के पड़ोसियों की जल जाएगी, लेकिन तब भी फुलझड़ी खत्म नहीं होगी। एक काम करो उसके पांच पैकेट कर दो फिर। हाँ लेकिन थोड़ी सी महंगी है। भाई साहब छोटा सा डाउट है, आइए पटाखे से थोड़े से फूस निकले तो ऐसे प्रॉब्लम क्या? मतलब भाई साहब एक काम करो, क्वालिटी पटाखे आपके लिए है नहीं, 2 रुपए की टिकट ले लो उधर मिल जाएगी, जाओ जाओ। अरे भाई साहब तो सीरियस हो गया, तो मजाक कर रहा था यार। प्रोफेशनल आदमी इतनी क्वालिटी के पटाखे बेच रहा है और आप कह रहे फूस हो जाएंगे। आपसे क्या बात कर ली भाई साहब, लाओ दो पटाखे दो। हाँ 25,000 रुपए के हो गए आपके पटाखे, कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट अभी कर देता हूँ। बहुत सारे पटाखे ले आओ, आप जला के देखता हूँ। सबसे पहले रॉकेट। अबे ये तो फूस निकल गया। चलो कोई नहीं, दूसरा चलाता हूँ बुलेट बम। क्या बोला मैं, गोली की तरह चलता है, अभी गोली की तरह चलाता हूँ। अबे ये भी फूस निकल गया। कहीं धोखा तो नहीं हो गया? अरे नहीं यार, फूलझड़ी चलाते हैं। ये रही महंगी फूलझड़ी, क्या बोला था इतना जलेगी कि सबकी जला देगी, इसे जलाता हूँ। अबे जल जा यार। अबे ये भी नहीं जल रही यार। अबे यार साला 25,000 का स्कैम हो गया। अबे दिवाली पे दीवारा निकाल दिया यार, बड़ी बड़ी बातें बोल गए। अबे यार ये और भाई क्या कर रहा है? अरे यार न्यूज पढ़ रहा था। न्यूज ही पढ़ वो देख ही जाके पटाखों में बैल लग गया। हाँ यार क्या करे। तू तो बहुत बड़ा बन रहा था, बोले मेरी तो यहाँ तक रीच है, वो है मैं तो सारे पटाखे फोड़ूंगा, बस बंदा बोलिए पटाखे का। वो देख क्या कुछ धमाका हुआ भाई। ये क्या करेगा काजी जब मियाँ बीबी राजी, चाचा हमारे विधायक हैं और पटाखों से नहीं मिसाइलों से करते हैं आतिशबाजी। ठीक है भाई करोगे, गलती होगी फोड़ो। अच्छा बेटे अब बताता हूँ। हैं अभी बताता हूँ। अरे रुक जा यार, ये यार पुराना तरीका हो गया यार, इसमें मजा नहीं आता यार आजकल। हाँ यार कोई नया तरीका ढूंढो जिससे फास्ट एकदम इसकी चिगड़ी जला जा सके। मेरे पास है एक तरीका, देख। ये तो थोड़ी निकाल ली, इसको रख और थोड़ी मार। ये आया ना मजा यार, ये तो बहुत ही पुराना तरीका है। नया तरीका बताता हूँ भाई, अपने हाथ का यूज करो, देख ऐसे। ये क्या पूरा
अरे भाई हाथ से ये देख, ये होता है सारी जल गई एक बार में। सही है यार, ऐसे चलाया कर। मैं भी ट्राई करता हूँ। रेमंग बीच जल गई, ये पागल आदमी है। हैप्पी दिवाली गाइज, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, स्पेशल शाउट आउट टू वेकफिट एयर, इनके काफ़ी अच्छे मैट्रेस आते हैं। 100 डेज का आपको रिस्पी ट्रायल भी मिलता है और 10 साल की वारंटी भी मिलती है। और अभी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं तो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ यार, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ बिहाइंड द सीन स्टोरीज हम अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाले हैं। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा हो तो कर लेना, @thehalfticketshows। और हाँ, सबसे आखिरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।